वहाँ से फिर स्टार्ट होगा, ऐसे करके ऐसे सेम घूमना पड़ता है। ये देखिए बबल्स निकल रहे हैं, बबल्स। और इधर है स्विमिंग पूल, नहा भी सकते हैं ना, कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं गो कार्ट रेसिंग करने जा रहा हूँ। गो कार्ट रेसिंग मतलब यहाँ पे देखिए, ये करने में आज जा रहा हूँ। ये एनिटिस लोकेटेड नियर हाईवे, सोनापुर पे है। ये सोनापुर का जो साइंस सिटी है ना, साइंस सिटी के एकदम ऑपोजिट साइड पे, तो वहाँ पे जा रहा हूँ। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू राइड दैट कार। तो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके रेस करेंगे। ओके, तो बहुत ही मजा आने वाला है। वहाँ पे रेसिंग करेंगे, चलाएंगे स्पीड में। लोग को भी वहाँ पे लेके जाके दिखाता हूँ कैसे करना पड़ता है, क्या सब कुछ दिखाऊंगा। ओके, सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। सो लेट्स गो। फाइनल पहुंच गया। ये देखिए जेयर कार्टिंग, ड्राइवर्स, स्क्यूबा डाइविंग सब कुछ है यहाँ पे। इधर है हाईवे, हाईवे के उस पार में है भारत पेट्रोलियम, में जो बोला था ये पार्किंग है। पार्किंग पे गाड़ी रख लेता हूँ, उसके बाद दिखा रहा हूँ। ओके, सो फाइनली आई एम हियर। मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और देखिए काफ़ी बड़ा जगह है, मन धावर जगह से। मैंने पार्किंग सार्किंग अगर आप लोग गाड़ी सारी भी लेके आते हैं, गाड़ी वाड़ी लेके आते हैं, तो पार्किंग करने का काफ़ी बड़ा स्पेस है देखिए। और उधर है टिकट काउंटर, पहले टिकट कितना दाम है क्या है वो वहाँ पे जाके पूछ लेता हूँ। और जो गो कार्ट का जो रेसिंग है ना, उधर होने वाला है उस साइड में, मैं दिखा रहा हूँ सारा चीज़। ओके, तो दिखा रहा हूँ टिकट का दाम कितना है वो भी पूछ के आप लोग दिखा रहा हूँ। ओके, ये देखिए काफ़ी बड़ा स्पेस है। उधर रेस्टोरेंट वगैरह है, अगर कुछ खाना चाहते तो उधर रेस्टोरेंट भी उधर से आप खा सकते हैं। और इधर पार्किंग वार्किंग आप यहाँ पे गाड़ी वाड़ी पार्किंग कर सकते हैं। और इधर है टिकट काउंटर, वहाँ पे जाके भी पूछना है। और वो देखिए वहाँ से रेसिंग स्टार्ट होता है। आगे थोड़ा दिखाता हूँ, लुक ओवर दे, वो देखिए यहाँ से रेसिंग होगा ऐसे करके। तो पहले टिकट ले लेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। हियर वी गो। वाह, वो, और ये है डबल, ये है टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेना पड़ता है। हाँ, कितना कीमन के पर हेड कीमन के? 650 कीमन लेप्स है, माने कीमन लेप्स वाला वो बाप लेप सिस्टम और नॉए अपना टाइम टाइम दे 10 मिनट टाइम नो हो गए। सिंगल डबल एने के दुटा थके ने की? हां माने डबल सीटर আছে, डबल सीटर और बेले दाम एक ही होय ने, बेले 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 के प्राइस आ टू दिया। ओके, अच्छा तो यहां पे दाम जो है लिखा हुआ है, ये देखिए जीआर कटिंग 450 करके है, बेनिफिट लेवल 1650 बिगिनर, अच्छा डबल सीटर, अच्छा डबल सीटर का है 850। अगर आप लोग आते हैं डबल अगर कोई चलाना चाहता है दो मिलके, तो 850 में आपको यहाँ पे हो जाएगा, जीपे हो जाबो ना। ओके, तो यहाँ पे आप जीपे भी कर सकते हो या कैश भी दे सकते हो, तो मैं ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है पहले, अच्छा बिलो 18 एबव, मतलब नाम एड्रेस वगैरह सब कुछ है, यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। अरे तो फॉर्म क्यों फिलअप कोई बोला के बा? गारंटी माने एक्सीडेंट होले माने निजोर रिक्स ने की ओन रिक्स, अच्छा तो ओन रिक्स पे यहाँ पे चलाना पड़ता है। इससे उससे पहले आपका टर्म्स एंड कंडीशन होता है, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ता है। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। उसके बाद टिकट यहाँ पे दिखाना पड़ता है, सिक्योरिटी है वो चेक करेंगे, उसके बाद ही अंदर में जाने को मिलते हैं। तो वहाँ पे जाके उसके बाद उधर में चलाने को मिलेगा। कैसा लगा भाई? अच्छा लगा? ओके, कैसा लगा चलाया, कैसा लगा, मजा आया? तो मैं प्रीटी एक्साइटेड हूँ वहाँ पे चलाने के लिए। वो देखिए वाओ, तो वीडियो कैसे करेंगे आप लोग, करके देंगे थोड़ा? नहीं, चलाने के टाइम पे नहीं करेंगे आप लोग, वो कर दीजिए ना। अच्छा, ये लॉकअप है ना? अच्छा, लॉकर यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद आपका जो है लॉकर यहाँ पे मिल जाएगा, आपका मोबाइल सामान वामान सब कुछ यहाँ पे रखना पड़ता है, क्योंकि आप चलाते चलाते चलाएंगे वो यूज़ करेंगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है ना। और एक चीज़ अच्छा है कि आप अगर चाहे तो वीडियो करना चाहते हैं तो वो लोग वीडियो करके भी देते हैं, वो फैसिलिटीज है मतलब। तो मैं वैसे ही करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे तो यूट्यूब में आप लोग को दिखाना है ना, तो वीडियोग्राफी थोड़ा करना है, तो उन लोगों को मोबाइल ले लेता हूँ और वो लोग करके दे देंगे। सर यहाँ पे रखा हुआ है हिसाब से, अगर आदमी ज़्यादा होगा तो यहाँ से निकलते रहेंगे, वो निकाल निकाल के इधर से और फिर उधर लेके जाके वहाँ से ऐसे यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे करके ऐसे घूमेंगे। कितना लेफ्ट किमान लेफ्ट गुरु परिम? अच्छा, हाथ लेफ्ट 10 लेफ्ट मान होगा नहीं कि? तो 10 मिनट तक आप चला सकते हैं, 10 मिनट का समय दिया जाता है। आप यहाँ पे 10 मिनट में शायद 7 to 8 लेफ्ट आराम से हो जाएगा। तो चलिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ चलाने के लिए, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। ये देखिए
ये देखिए बहुत डाउन है, ग्राउंड क्लियरेंस तो क्या बोलूँ, पूरा लगा हुआ है। तो आई थिंक यहाँ से ऑपरेट होता है। मैं लास्ट टाइम चलाया था चेन्नई पे, ये आई थिंक एक्सीलेटर है, वो ब्रेक है और ये स्टीयरिंग। तो मैं अंदर पे आ चुका हूँ, यही गोका पे इसी को चलाने वाला हूँ। कुछ कुछ आदमी लोग आ रहे हैं, उससे आई थिंक 4-5 जो ग्रुप होंगे ना एक साथ ग्रुप छोड़ने वाला। और उससे पहले हेलमेट लगा बोले इधर, तो हेलमेट लगाना पड़ता है। तो ये हेलमेट, पहले हेलमेट पहनना पड़ता है, दिखा रहा हूँ सब। तो ये सेफ्टी के लिए ये हेलमेट पहन लिया है। और ये हेलमेट वही वैसा ही है जो हम लोग जो बाइक चलाते हैं ना, बाइक चलाने के टाइम पे जो हेलमेट पहनते हैं वो सेम हेलमेट। और पता नहीं मेरा कौन सा वाला, कौन तो हो पापा मोर, पता नहीं मेरा कौन सा होगा, मैं चढ़ के आप लोग को दिखा रहा हूँ। ओके, तो मैं चढ़ने जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो ऐसे बैठना पड़ता है, एक स्टेयरिंग है और यहाँ पे एक्सीलेटर है, इधर ब्रेक है, इसी तरह का एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है और ये स्टेयरिंग, ऐसे घुमाऊंगा। मैं एक्साइटेड हूँ, आई एम रियली एक्साइटेड टू ड्राइव। मज़ा आ गया, मैं एक्साइटमेंट था, बहुत एक्साइटेड था, लेकिन बहुत मज़ा आया। 10 मिनट्स में सफिशेंट है आपको, आई थिंक मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन 10-12 ऐसा लैप जो है हो जाता है। और रेसिंग खेल रहा था और मैं विनर रहा, आई वॉज द विनर। मेरे पीछे दो थे, तो मैं विनर, पहले वो आगे आ गए थे, लेकिन जैसे जैसे करके मैं उनको ओवरटेक करके विनर बन गया। तो यहाँ का ये थोड़ा मैंने दिखा दिया, और यहाँ पे अभी कुछ खाऊंगा मैं। यहाँ पे खाने का जैसे भी वन हैव समथिंग लाइक स्नैक्स, कुछ भी हो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट भी है, मिल जाएंगे। तो इधर रेस्टोरेंट है, मैं वेस्ट रेस्टोरेंट पे जाके क्या क्या खाने को क्या क्या मिलता है वो सिर्फ जो टूरिस्ट आते रहते हैं, ये देखिए बहुत सारे नए नए लोग आए हैं, वहाँ से फिर स्टार्ट होगा। ऐसे करके ऐसे सेम घूमना पड़ता है। और वेदर भी काफ़ी अच्छा था, देखिए ऊपर, तो वेदर ने भी साथ दिया, मज़ा आ गया। बस आप लोग भी आइए, बहुत मज़ा आता है। लेकिन साइड में नॉर्थ ड्राइवर लिखा हुआ है, आप चाहे तो आप यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह भी कर सकते हैं। और उधर रेस्टोरेंट है, स्विमिंग पूल भी है, मैं दिखाता हूँ। इधर से जाना पड़ता है, स्विमिंग पूल दिखा रहा हूँ। ओके, और इधर है स्विमिंग पूल, छोटा छोटा यहाँ पे, पता नहीं क्या चीज़ है ये। यहाँ पे अच्छा अच्छा, यहाँ पे रिसेप्शन लिखा हुआ है, तो ये रिसेप्शन है। यहाँ पे आपको पूछ के उसके बाद यहाँ पे देखिए ऐसे स्विमिंग कर सकते हैं। आई थिंक ये बच्चों के लिए, ये बच्चा ही दौड़ने की आप सिर्फ पानी के अंदर में घुसना है, डरो मत, और ब्लो करना है करके, ठीक है? ब्लो ब्लो। स्विमिंग यहाँ पे क्या ट्रेनिंग होता है ना, क्या सिखाते सब बच्चे के लिए ना, सबके लिए? सबके लिए, बड़े के लिए। अच्छा सिखाते, मैं सोचा नहा भी सकते हैं क्या हम लोग? हाँ, नहा भी सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं। ओ, मैं सोचा सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है क्या? नहीं ना, नहीं, 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 आप भी नहा सकते। ओके, मतलब यहाँ पे
एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे, आपका ट्रेनिंग भी यहाँ पे कराया जाता है, सिखाया भी जाता है, और आप चाहें तो यहाँ पे नहा भी सकते हैं उधर कॉस्ट्यूम वगैरह लेके। और उधर जगह जगह में है चेंज करने का, वो चेंज रूम वगैरह है, क्लासरूम भी है वहाँ पे, आई थिंक जो जो होता है ब्रीफिंग वगैरह सिखाया जाता है, उसके बाद यहाँ पे आके आप नहा भी सकते हैं। और उस साइड में है रेस्टोरेंट और वहाँ पे जाके कुछ खाने वाला है लगा हुआ है। ये देखिए स्विमिंग के लिए 1 hour 20 minutes के लिए 500 rupees, एंड स्कीबा डाइविंग भी कर सकते 2 hours 30 minutes के लिए 2000। और पूल टाइमिंग है 11 AM to 10 PM, रात के 10 बजे तक आप यहाँ पे इस स्विमिंग पूल पे आप नहा वहा सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे करके आप स्विमिंग भी सीख सकते हैं यहाँ पे। मेरे पीछे देखिए स्विमिंग पूल है यहाँ पे, बड़े छोटे सब लोग यहाँ पे स्विमिंग पूल पे नहा भी सकते हैं और आप सीख भी सकते हैं। यहाँ पे ट्रेनर बहुत सारे हैं, वो लोग सिखा भी देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे सोनापुर पे आके यहाँ पे आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं स्विमिंग का। ओके, ये देखिए टॉयलेट वगैरह सब कुछ मतलब फैसिलिटीज दिया हुआ है। और उधर रेस्टोरेंट है, उधर मैं अभी जाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोग को इधर थोड़ा दिखा रहा था। ये देखिए इधर जो रेसिंग है ना, जो थोड़ी देर पहले जो मैं चलाया था, ऐसे ऐसे घूम के आया था। ये देखिए लड़का लड़की हर कोई चला सकते हैं। देखिए लड़की लोग चला रहे, देखिए दिखाई दे रहा है, ये सारे देखिए सब लड़की लड़की, काफ़ी बड़ा स्पेस है, ऐसे करके घूम के आ सकते हैं। और इधर छोटा सा एक पार्क है, चलिए उधर आके आगे लेके जाके दिखाता हूँ, चलिए उधर आगे लेके जाके दिखाता हूँ। तो ऐसा है यहाँ पे, और ऊपर है रेस्टोरेंट खाने का जगह, अभी ऊपर जाएंगे, ऊपर में भी दिखाता हूँ आप लोग को। ओके, और इधर है गेट, इधर से एंट्री होना पड़ता है। ये देखिए काफ़ी बड़ा स्पेस है, रेस्टोरेंट है, लाइटिंग वगैरह देखिए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है। इधर रिसेप्शन है और साइड इधर भी है, और इधर से आप ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर भी एक टेरेस है, उधर पे भी आप जाके खा भी सकते हैं। तो चलिए ऊपर में लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ कैसे दिखा देता ऊपर से। और ये अपस्टेयर्स ऊपर, ऊपर से कैसे दिखा देता आप लोगों को दिखाता हूँ। वाह, काफ़ी बड़ा स्पेस है देखिए, वाह, बहुत बेहतरीन तरीके से ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया हुआ है। कूल प्लेस, कूल, सुंदर जगह है। और वो देखिए स्विमिंग पूल, नीचे स्विमिंग पूल है और इधर टॉयलेट वगैरह है, छोटा छोटा केबिन है, और वहाँ पे गोकार का जो रेसिंग है ना, उधर हो रहा था, उधर होता है ऐसे, यहाँ से सारा दिखाई देता है। ये देखिए बबुल्स निकल रहा है, बबुल्स, वाह, कैसे दिखाई देता ऊपर से। तो मैंने ऑर्डर दिया था कोक एंड फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि खाना खा के आया था, ये आ गया। और क्या क्या दिया, ये भी ऑर्डर दिया, कैमरा को रेयर कैमरा से दिखा रहा हूँ। ये देखिए बबुल्स निकल के आ रहे हैं ना, देखिए छोटा 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 सा, और ये फ्रेंच फ्राइज। चीयर्स। फ्रेंच फ्राइज मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, आई लाइक इट वेरी मच। डिलीशियस। उसके साथ साथ मैंने चिकन नूडल्स भी ऑर्डर किया था। ये देखिए बहुत फ्रेश चिकन नूडल्स मैंने ऑर्डर किया था और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। चलिए अब इसको खाते हैं। Yes.
तो ये था सोनापुर का जे आर कटिंग ओके। हम लोग अगर आएंगे गुवाहाटी से तो अराउंड टेक्स 15 to 20 मिनट्स। भारत पेट्रोलियम जो है उसके ऑपोजिट पे, ठीक है, जगह का नाम है जे आर कटिंग ओके। तो ये था जे आर कटिंग सोनापुर का, और ऐसे में एक्साइटिंग ब्लॉग्स आप लोग के लिए लेके आते रहूँगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।